नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर आबकारी विभाग लगातार बॉर्डर इलाकों पर संघनन चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें अभी तक आबकारी विभाग की टीम को 2 कामयाबी मिली है। आज इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में भगवानपुर में चेकिंग करते हुए मारुति कार से चेकिंग के दौरान हरियाणा से लाई जा रही 15 पेटी शराब बरामद की है। आबकारी विभाग की टीम के द्वारा गोरख धंधे से जुड़े 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्करों का आबकारी एक्ट में चलान कर दिया गया। गौरतलब है कि नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर होटल, रेस्टोरेंट व बार में हरियाणा के शराब की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आबकारी विभाग लगातार अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से मिकी जैदी की रिपोर्ट।